नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही कोर्स में सिक्वेंशियल सर्किट्स में। उसी सीक्वेंस में अगला लेसन हमारा है गेटेड लैच। लास्ट लेसन में हमने लैच जाना था क्या होता है, इस लेसन में हम गेटेड लैचेस कवर करेंगे। तो मेरा नाम वैभव है, मैं अन अकेडमी पे एजुकेटर हूँ। आप मेरे कोर्सेज को जरूर लाइक शेयर एंड रिकमेंड करिए और फॉलो भी कीजिए और एनरोल भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अन अकेडमी इंजीनियरिंग करिकुलम को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। तो बात करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स के अगले लेसन की, जो कि है गेटेड लैच। ओके, लास्ट लेसन में हमने देखा था एसआर लैच क्या होता है। उस एसआर लैच में एक्चुअली एक एनेबल का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, इनपुट दिया आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या क्लॉक बोल दो एक तो, या तो गेट देना मतलब, या अपना एनेबल इनपुट बोल दो देना। ओके, उसको बोलेंगे गेटेड लैच। अभी हम आगे देखेंगे कि गेटेड लैच होता क्या है। अभी देखिए, लास्ट लेसन में हमने क्या किया था, यहाँ पे नोर बेस्ड एसआर लैच पढ़ा था, इतना सर्किट था वो। अभी हम क्या पढ़ेंगे, गेटेड एसआर लैच एंड दैट टू नैंड बेस्ड। अभी नैंड बेस्ड हो गया, मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था कि नैंड बेस्ड में हम देखेंगे कि ये जो इनपुट है ये एस होगा और ये जो इनपुट है ये आर होगा, है ना, वही हुआ ना, एस और आर। थोड़ा सा बस सर्किट पे चेंज है, दो नैंड गेट और है। ओके, सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एन एनेबल सिग्नल इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ लैच, इट इज टर्म्ड एज गेटेड लैच। अगर हम एनेबल ऑपरेशन सिग्नल यूज कर ले इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने में, लैच के ऑपरेशन को कंट्रोल करने में, तो ये एक गेटेड लैच बन जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा देखें कि लैच, क्लॉक और एनेबल में क्या डिफरेंस है, तो क्लॉक क्या होती है, हमारी कंटिन्यूअस होती है ऐसी, फाइन। और जबकि एनेबल क्या है, एनेबल हमारे हाथ में है, क्लॉक हमारे हाथ में नहीं है। क्लॉक तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती रहेगी, सेम आउटपुट जनरेट करती रहेगी, लेकिन एनेबल में एक तरीके से स्विच है, जैसे फैन का स्विच, आप कभी भी उसको ऑन कर सकते हो, कभी भी ऑफ कर सकते हो। लेकिन जो पीछे से फ्रीक्वेंसी आ रही है ग्रिड से हमारी 50 हर्ट्ज, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, है ना। तो सेम डिफरेंस यहाँ है कि आप एनेबल को, एनेबल का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में, लेकिन जो क्लॉक का जो कंट्रोल था, जो एक पीरियोडिक सिग्नल था, वो आपके हाथ में नहीं था। ओके, अब देखिए यहां पे वही हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम निकल के आएगी। बस एनेबल जब जीरो होगा तो ये लैच काम नहीं करेगा, जब एनेबल वन होगा तो ये काम करेगा। अब देखिए, अब अगर एनेबल सपोज जीरो हो जाए, एनेबल अगर जीरो हो गया तो आउटपुट में हमेशा वन आएगा, नैंड गेट का आउटपुट इनपुट, एक भी इनपुट जीरो हो गया तो नैंड गेट का आउटपुट वन आता है। ओके, अब नैंड गेट का आउटपुट वन आया, दोनों वन आ गए, दोनों वन आते ही तो यहां बात ही खराब हो गई सारी। ओके, अब यहां वन आए आपके और आपको अब पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट में क्या आएगा। सपोज यहां वन आ गया आपका, यहां वन आने की वजह से ये क्यू बार आपका यहां आया, सो वन इंटू क्यू बार कब बार क्यू, सो क्यू आ जाएगा यहां पे। ओके, सो जब भी ये एनेबल जीरो होगा तो हमारा जो है ये डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा एस और आर जो है हमें पता ही नहीं है कि कैसे काम करेगा, एस और आर के इंडिपेंडेंट हो जाएगी चीज, हमारा जो आउटपुट है वो का वो रहेगा जो प्रीवियसली था, फाइन। अब अगर मैं एनेबल वन कर दूं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया है, एस और आर अब कुछ भी हो लेकिन इसका आउटपुट अपने आप में जो प्रीवियस स्टेट थी वो का वो रहेगा, समझ रहे ना आप बात को। अगर एनेबल जीरो था तो एस और आर के इंडिपेंडेंट हो गया ये, मतलब जो मेन ऑपरेशन था उसके तो इंडिपेंडेंट ही हो गया ये। तो अब एनेबल अगर वन करोगे तब यहां एस बार आएगा और यहां आर बार आएगा, है ना, वन किया आपने एस इंटू वन एस बार, ओके, और यहां आएगा आर बार। अब वही ऑपरेशन आ जाएगा। अब मैं मान लो सपोज 1 0 के लिए कोशिश करता हूं कि 1 और 0 1 0 देते हैं तो मतलब सेट हो जाना चाहिए ये। ओके, अब 1 0 दिया है, यहां पे बार आ गया, बार आ गया तो मतलब यहां 0 है, यहां 1 है, ठीक है। यहां 0 के आने की वजह से ये हमेशा आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा, ये वाला नैंड गेट, इसने 1 प्रोड्यूस किया तो 1 और 1 ये हमेशा 0 पुट करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब कि हमारा जो लैच है वो सेट हो जाएगा,
है ना, और वही अपने ट्रुथ टेबल में लास्ट टाइम देखा था कि अगर ये वन हो गया और ये जीरो है तो लैच सेट हो जाएगा। ओके, अब अगर जीरो जीरो की बात करें, जीरो जीरो के केस में यहां वन होगा, यहां भी वन होगा, तो जो प्रीवियस स्टेट थी वो की वो रह जाएगी। ओके, और जब अगर वन वन दे दिया आपने, यहां पे भी वन, यहां पे भी वन, तो यहां आएगा जीरो जीरो, यहां जीरो जीरो आने की वजह से यहां वन वन आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक अनस्टेबल स्टेट है क्योंकि क्यू और क्यू बार कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये इनवैलिड ऑपरेशन होगा अगर आपने एस को और आर को वन वन दे दिया तो। फाइन, तो हमारा कुछ ऐसा दिखता है कि एक्टिव हाई गेटेड एसआर लैच में बोलूं तो मतलब कि वो एनेबल जो है वो जब वन होगा तब हमारा लैच काम करेगा, लेकिन अगर मैं एक्टिव लो बोल दूं, एक्टिव लो गेटेड एसआर लैच, ओके, तो एक्टिव लो गेटेड एसआर लैच होगा तो अपना एनेबल जब जीरो होगा तब वो लैच काम करेगा। फाइन, ये एक्टिव हाई गेटेड एसआर लैच है क्योंकि यहाँ पे एस और आर दोनों हाई हैं, ये भी एक्टिव हाई गेटेड एसआर लैच है लेकिन विद एक्टिव लो एनेबल इनपुट है ये, और ये विद एक्टिव हाई एनेबल इनपुट है। फाइन, अब देखिए डी लैच क्या होता है। डी लैच एक तरीके से होता है डिले, डिले देना, कि आपने जीरो दिया उसको और वो थोड़ी देर बाद जीरो डिस्प्ले करे, ठीक है। अब देखिए डिले कैसे दे सकते हैं हम, अगर सोचा जाए डिले देना है आपको तो कैसे देंगे, अभी देखते हैं कि कैसे देंगे। अभी देखिए, अब मैं अगर ये जो एसआर थे इनको एक ही पॉइंट बना दूं, इसको नॉट गेट से कनेक्ट कर दूं, आर को इसको हटा दो, मतलब मैं यहां से यहां पे मैं डी लिख दूं। फाइन, अब जब मैं यहां पे डी लिखूंगा तो सपोज मैंने दिया जीरो, मैंने दिया डी को जीरो, डी जब मैं जीरो दूंगा यहां पे तो यहां तो जाएगा वन और यहां जाएगा जीरो, है ना, क्योंकि यहां आएगा वन और वन का नैंड गेट जीरो और यहां आया अपना जीरो, जीरो का नैंड वन, तो यहां जीरो आया, यहां वन आया, सॉरी यहां वन आया, यहां जीरो आया। ओके, अब यहां वन आया, यहां जीरो आया, इसका मतलब क्या है कि ये तो हमेशा आउटपुट वन ही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इस नैंड पे इनपुट आ गया जीरो, तो ये तो वन ही प्रोड्यूस करेगा, और इसने वन प्रोड्यूस कर दिया तो वन और वन जीरो, तो मतलब कि जीरो आपने दिया था लेकिन इस लैच ने थोड़ा डिले प्रोड्यूस कर दिया और आउटपुट में जीरो ही डिस्प्ले कर दिया। फाइन, तो जब आप डी जीरो देंगे तो क्यू एन चाहे कुछ भी हो आउटपुट आपका हमेशा जीरो ही आएगा। अब आप डी को वन दीजिए, जब इसको वन देंगे तो आउटपुट में क्या होगा, यहां पे यहां वन दिया तो यहां जीरो होगा, यहां वन होगा, यहां जीरो दे दिया तो यहां वन होगा, कि मतलब वन दिया था आपने और वन ही आउटपुट में मिल गया तो डिले हो गया। तो इसकी एक्साइटेशन टेबल भी बिल्कुल ही सिंपल है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वही हमारा डी है, इसमें इतना याद रखो, एक्साइटेशन टेबल इजीली बन जाती है। ओके, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो भी क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी ही है। अब गेटेड की बात करेंगे तो जस्ट एक एनेबल सिग्नल लगा देंगे इसमें, तो जब भी एनेबल जीरो होगा तब ये काम नहीं करेगा और जब एनेबल वन होगा तब ये काम करेगा। ओके, एनेबल वन होगा तो जीरो में देंगे तो जीरो आएगा आउटपुट में, वन देंगे तो वन आएगा, और जब एनेबल जीरो होगा तो प्रीवियस स्टेट जो रही होगी वो की वो रहेगी। फाइन, तो ये हमारा गेटेड टी लैच था। धन्यवाद ये लेक्चर सुनने के लिए, अगर आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और मुझे इस लिंक पे फॉलो करें ताकि जैसे अगला लेसन आए आपको पता चल सके, और रेट रिव्यू एंड रिकमेंड करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद।